सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका स्वागत है मेरा चैनल एबी ब्लॉग अभिजीत देव पर। तो गाइज, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है, तो मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज जो है, कल जो मैंने पोल्ट्री फार्म का जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो आज जो है उनका जो है उद्घाटन है, मतलब पूजा है। छोटा सा एक जो है पंडित जी बुला के मतलब पूजा दे देंगे, और काली माता जी का जो मंदिर है उसी में हम लोग जो है प्रसाद चढ़ा देंगे। तो गाइस बने रहेगा वीडियो के एंड तक। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर देते हैं, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और उसके पहले चैनल पर कोई नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ से बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उन लोगों को तो दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल मैं नींद से उठकर फ्रेश होकर नहाकर सब कुछ हो चुका, तो अभी थोड़े टाइम पे पंडित जी भी आने वाले हैं। तो तब तक जो है मुझे जो जो है पूजा का जो सामान जो भी है तैयारी करने के लिए बोला था, तो चलो सबसे पहले मैं तैयारी वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद में बातचीत करते हैं। और उसके सबसे पहले मैं नाश्ता वगैरह करूँगा, फिर चलकर बातचीत करते हैं। तो चलो अभी दुकान की तरफ चलते हैं और नाश्ता वगैरह करके आते हैं। तो दोस्तों, मैं दुकान पे आया था नाश्ता वगैरह करने के लिए, तो मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो अभी फिलहाल जा रहा हूँ घर की तरफ। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है फिलहाल मैं दुकान से तो घर पहुंच चुका हूँ। तो अभी कल मुझे पंडित जी ने बोले थे कि दूध लाने के लिए, तो चलो अभी मैं दूध लाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग भी जो है देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी जो है फिलहाल मैं दूध लेके घर तो पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मेरा हाथ में जो है दूध का ग्लास है। तो अभी और भी मुझे काम है, देख ही सकते हो मैंने अभी इसको एक साइड में रख दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है मैं दूध को रखने के बाद में यहाँ पर जो है आम का पत्ते से जो है एक हाड़ बनाया है, यहाँ पर देख ही सकते हो, और उसमें जो है सिंदूर का जो है तिलक लगा दिया है, देख ही रहे हो आप लोग यहाँ पर। और साथ में जो है एक नींबू मिर्ची का जो है ये बना दिया हाड़, देख ही सकते हो, ये दरवाजे में लटकाने के लिए है। तो चलो अभी थोड़ा टाइम पर पंडित जी भी आने वाले है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है बहुत टाइम से इंतज़ार करने के बाद में जो है अभी पंडित जी आ चुके हैं, तो यहाँ पर देख ही सकते हो। तो यहाँ पर पूजा भी स्टार्ट हो चुका है, छोटा सा ही पूजा है, उतना बड़ा नहीं। तो गाइस, पूजा पूजा ही होता है, देख ही रहे हो आप लोग। तो दोस्तों, पंडित जी ने मुझे बोला है कि गंगा जल पूरा घर में जो है छिड़कने के लिए, तो चलो अभी छिड़क देते, उसके बाद में देखते है। तो गंगा जल छिड़कने के बाद में मैंने जो लाया था दही दूध और ये सब देख के जो है पंडित जी ने ये बना के दिए हैं मुझे, क्या मुझे पता नहीं, बोला है कि पूरा घर में छिड़क दो, तो छिड़क देते हैं। तो अभी फिलहाल मैं गंगा जल वगैरह सब कुछ छिड़कने के बाद में अभी यहाँ पर नारियल फोड़ूंगा, देख ही सकते हो। तो यहाँ पर नारियल भी फोड़ चुका है, तो नारियल का पानी जो है पूरा घरों में छिड़क दिया है, देख ही रहे हो आप लोग। तो चलो अभी हमको काली मंदिर में भी जाना है, देख ही रहे हो आप लोग। तो दोस्तों, अभी जो है फिलहाल हमारा जो है पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पंडित जी भी अभी चले जाएंगे। तो अभी क्या है, अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो मैंने गंगा जल छिड़क दिया था, उसके बाद में पंडित जी दूध दही और क्या क्या हल्के कुछ बना के दिए हैं, वो शुद्ध रहता है तो छिड़कने के लिए, तो मैंने पूरा छिड़क दिया। उसके बाद में जो है अभी नारियल वगैरह सब कुछ फोड़ दिया, तो अभी चलो थोड़ा टाइम आराम वगैरह करते हैं, फिर काली माता जी का मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने हार जो ऐसे ही आप लोगों के साथ में शेयर किया था, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने कैसे हार वगैरह लगा के रखा हुआ है, नींबू मिर्ची जो है बीच में लगाया, और पूरा जो है आम का पत्ते से जो एक हार बनाया था वो भी बीच में लगा दिया था, और घर का नज़र आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी जो है फिलहाल हम लोग तैयार हो चुके हैं, तो काली माता जी का मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो चलो मंदिर की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं और बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग घर से निकल चुके हैं, और निकलने के बाद में हमको रिक्शा भी मिल गया है, तो रिक्शा मिलने के बाद में अभी हम लोग सीधा जाएंगे मिठाई के दुकान पे, क्योंकि हमको भगवान के लिए प्रसाद भी जो लेना है। तो अभी हम लोग मिठाई के दुकान पे तो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा हर वेराइटीज़ का स्वीट्स है, तो चलो अभी हम लोग लेते हैं भगवान के लिए। तो दोस्तों, अभी जो है हम लोग मंदिर तो पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर काली माता जी का जो मंदिर का अंदर का हिस्सा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ का जो नज़ारा है देख ही रहे हो काली माता जी को भी। तो अभी यहाँ पर जो है देख सकते हो काली माता जी का मंदिर का जो साइड में है, जो सभी लोग बैठने के लिए है, और ऐसे भी मतलब कुछ पूजा वगैरह होता है तो यहाँ पर भी होता है। यहाँ का जो हॉल है देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा है। तो चलो अभी हम लोग शिव जी का मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है देख ही सकते हो आप लोग,
जो है बहुत बड़ा, मतलब एक शिव जी का भी मंदिर है काली मंदिर के बाजू में, देख ही रहे हो आप लोग, भोलेनाथ जी बैठे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा के, अभी सब कुछ होके हम लोगों का पूजा ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं प्रसाद वगैरह लेके, देख ही रहे हो। तो अभी हम लोग घर पहुँचने के बाद में जो है पूजा का जो है प्रसाद दिए है, मम्मी ने जो है पूजा का प्रसाद सबको दिए है और मुझे भी मिला है, तो यहाँ पर देख ही सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं प्रसाद वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो दोस्तों मंदिर से जो आने के बाद में प्रसाद वसाद खा के अभी थोड़ा टाइम आराम किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो आराम करने के बाद में अभी यहाँ पर जो है खाना खाएंगे हम लोग। तो खाने में क्या है चलो चलकर देखते हैं मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी भूख लग रहा था। तो अभी मिठाई खाने के बाद उतना खाने के लिए मन भी नहीं कर रहा, चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो चलो चलकर देखते हैं खाने में क्या बना है क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा खाना जो है रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देख ही रहे हो आप लोग, ये मच्छी है और ये मेरा राइस है, देख सकते हो मैंने राइस थोड़ा सा ही लिया क्योंकि जो है मेरा पेट भरा हुआ है। तो चलो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है फ़िलहाल मैं खाना वगैरह खाने के बाद में फ्रेश वगैरह होके जो है मैं आप लोगों से जो है बातचीत कर रहा हूँ। तो आज मेरा जो है पोल्ट्री फार्म का पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो पंडित जी आके भी पूजा किए हैं, और उसके बाद में जो है मैं काली माता जी का मंदिर पे जो है थोड़ा बहुत जो है प्रसाद चढ़ा दिए हैं। और पोल्ट्री फार्म का जो बात करें तो आपके पास में अगर छोटा सा जगह है तो 2 माले का बना सकते हो, और जो बड़ा जगह है वो सिंगल भी, मतलब जैसा रूम रहता है पोल्ट्री फार्म का वैसा भी बना सकते हो। और क्योंकि वो जो है मैंने जो 2 माले का बनाया, क्योंकि मेरा जगह छोटा था इस वजह से मैंने बनाया, और उसी में भी फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन आप जितना बड़ा करोगे उतना खर्चा जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा ही कुछ खर्चा चला गया था, करीब मैं इतना बता देता हूँ आप लोगों को, 50,000 के ऊपर तक मेरा खर्चा चला गया, और अभी तक भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, वीडियो कैसा लगा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ से बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और ऐसा पोल्ट्री फार्म 2 माले का कभी देखे हो आप लोगों ने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।